Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हरियाणा की सनसनीखेज सिंगर और डांसर सपना चौधरी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में है। हरियाणवी की इनकी शादी और बच्चे की खबर ने जहां उनके फैंस को चौंका दिया है, तो वहीं बच्चे के जन्म के बाद सपना के पति वेद साहू ने उन सभी को दो टूक जवाब भी दिया है जो हरियाणवी क्वीन पर सवाल उठा रहे थे। वेद साहू ने बताया कि उन्होंने जनवरी में शादी की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों का शादी का कनेक्शन यूपी के बलिया से भी है। उन्होंने भले ही जनवरी में कोर्ट मैरिज की हो, लेकिन शादी की पटकथा बलिया में ही लिखी गई थी। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें ऐसे वायरल हो रही है जिसमें सपना चौधरी और वीर साहू एक संत के सामने एक दूसरे को जयमाला पहना रहे हैं और संत से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने पिछले साल 15 दिसंबर को बलिया में दाम्पत्य सूत्र में बंधने का फैसला किया था। बताया जा रहा है कि दोनों ने यह फैसला एक निजी कार्यक्रम के दौरान लिया था। द वैदिक प्रभात फाउंडेशन में दोनों पिछले साल पहुंचे थे। दोनों ने एक संक्षिप्त कार्यक्रम में एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर जीवन गुजारने का फैसला लिया था। जिला मुख्यालय के नया चौक जापलीगंज स्थित द वैदिक प्रभात फाउंडेशन के संत बद्र विशाल के मुताबिक इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने शपन वीर ने आशीर्वाद दिया था। संत ने दोनों को सफल दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद भी दिया था। इस कार्यक्रम की फोटोग्राफी भी हुई थी। आपको बता दें कि सपना चौधरी ने अपनी शादी और प्रेगनेंसी को अब तक छुपाए रखा। सपना के वीर साहू संग रिलेशन में होने और शादी करने की खबरें तो थी, लेकिन इसकी कभी पुष्टि नहीं की। मां बनने के साथ ही सपना और वीर साहू की शादी के बारे में भी पता चला है। सपना को मां बनने पर उनके फैंस बधाइयां दे रहे हैं। हिसार के रहने वाले वीर ने जनवरी में सपना से शादी की थी। वीर के परिवार में किसी की मौत होने की वजह से उनका शादी को गुप्त रखा गया था। फिलहाल खुद सपना की फैमिली और वीर की फैमिली परिवार में नन्हे मुन्ने के आने से खुश हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव के सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।